Very good morning, students. I am your English teacher, and today I will teach you English of class 8. And today I am going to explain chapter 2, climate change and the renewable energy. This chapter is very typical, so I will explain you this chapter in Hindi. Start. The transport of people and freight account for at least 14% of global greenhouse gas emission. This figure is increasing, especially in many developing nations. Technology may help through the development of more efficient vehicles powered by less polluting fuels. But most of the more exciting proposals are still in the design stage, and some may not work in practice. So in the short term, the best way to reduce greenhouse gas emission from transport is to change the way we travel and not to travel so much. कि इस पैराग्राफ का मीनिंग है कि ट्रांसपोर्ट में से ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं, ये एटलीस्ट 14% तक ग्रीन हाउस ट्रांसपोर्ट में से निकलती हैं. और ट्रांसपोर्ट जो है स्पेशली इंक्रीज हो रहे हैं, जितनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पर ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं तो ग्रीन हाउस गैस भी इंक्रीज हो रही हैं. टेक्नोलॉजी, लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल्स वाले व्हीकल्स बनाने में तो हमारी हेल्प करती हैं, लेकिन कुछ प्रपोजल्स अभी हमारे रुके हुए हैं जो सिर्फ डिज़ाइन स्टेज पर हैं, और कुछ हमारे अभी प्रैक्टिस में नहीं है, यानी कि वर्क नहीं कर रहे हैं. सो सबसे बेस्ट मेथड है ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने का, कि हम अपना ट्रैवल करने का जो तरीका है उसे चेंज कर दें, या हम कम से कम ट्रैवल करें. सो नाउ नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी. पीपल हैव बीन हर्निशिंग द एनर्जी ऑफ विंड एंड फ्लोइंग वाटर टू पावर विंड मिल्स एंड वाटर मिल्स फॉर सेंचुरीज. दिस टेक्नोलॉजी हैज नाउ बीन अपडेटेड टू ड्राइव इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, सोलर एनर्जी एंड इवन वॉल्केनिक हीट कैन ऑल्सो बी टर्न इंटू इलेक्ट्रिसिटी. सच एनर्जी सोर्सेज आर डिस्क्राइब एज रेन्यूएबल बिकॉज दे नेवर रन आउट. दे मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड ऑल आवर एनर्जी नीड्स, बट मोस्ट ऑफ दैम डू नॉट रिलीज एनी ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस दैट आर कॉजिंग क्लाइमेट चेंज. इस पैराग्राफ का मीनिंग है कि पीपल ने विंड एनर्जी और फ्लोइंग वाटर, यानी कि वाटर फ्लो करने से जो एनर्जी है उसे विंड मिल और वाटर मिल की हेल्प से बनाया है आगे की सेंचुरीज के लिए. ये टेक्नोलॉजी हमें अपडेट करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बनाने के लिए. सोलर एनर्जी और वॉल्केनिक हीट को भी हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इस तरह की जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, दे नेवर रन आउट. बट इन एनर्जी से हम अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इनमें से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी हैं उनमें से किसी भी तरह की ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती, जो कि क्लाइमेट चेंज का कारण होती है. नाउ नेक्स्ट इज आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द विंड फार्म्स. विंड इज ऑलरेडी बीइंग हार्नेस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय विंड फार्म्स ऑफ हाईटेक विंड टर्बाइन. Many are seated on land, often in hilly, scenic region, where people resent their impact on the landscape.
offshore wind farms such as this one near Copenhagen, Denmark, experience stronger, more consistent winds, and they can be built well away from land. ये जो wind है हमारे wind turbine को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें विंड की ज़रूरत होती है. इन विंड टर्बाइन को खुली जगह में, हिली एरियाज में, वहाँ पे इनको सेट किया जाता है. कुछ जगह हैं जैसे कोपेनहेगन, डेनमार्क, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर होती है और वहाँ पर विंड टर्बाइन को जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ से दूर सेट किया जाता है. ऑल्दो there are concern about seabirds being killed by the huge rotors. See here some these pictures of wind turbine. These are rotors. इनके जो rotors हैं ये seabirds के मरने का कारण बनते हैं, क्योंकि इनके rotors से बहुत सारे seabirds मर जाते हैं. The main practical problem of wind turbine is this is work when the wind blows, otherwise this is can't do any work. जब wind blows करती है तभी ये wind turbine काम करते हैं. अगर wind blow नहीं होगी तो ये work नहीं करते. This means that the must be backup power generator system. तो इनके अंदर एक power generator system होता है which is use the fossil fuels. Now next, I will explain you about the solar power plants. कि most solar plants small scale पर work करते हैं, but in few power plants have been built in reliable sunny region. जहाँ पे बहुत ज़्यादा sun निकलता है, धूप निकलती है, उस area को हम sunny region कहते हैं. वहाँ पर ये big power plants बनाए जाते हैं, जैसे कैलिफोर्निया, स्पेन. अब वे वहाँ पर मिरर्स का यूज़ करते हैं और मिरर्स जो है सन की रेज जो टावर पर पड़ती हैं उसको फोकस करने के लिए मिरर का यूज़ किया जाता है. और फिर जब वो सन की रेज पर पड़ती हैं तो उसे वो कलेक्ट करती हैं एंड उसकी हीट इज यूज टू रन अ टर्बाइन एंड जनरेटर. और उसकी हीट को फिर टर्बाइन और जनरेटर को रन करने के लिए यूज़ की जाती है. मोर एफिशिएंट पावर लाइन्स मे इनेबल सच प्लांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट पावर टू सिटीज इन लेस सनी एरियाज. तो जो बिग सनी रीजन होते हैं वहाँ पर जो सोलर पावर प्लांट से जो एनर्जी बनाई जाती है उस एनर्जी को वो लेस सनी एरियाज में एफिशिएंट पावर लाइन की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सप्लाई करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. रेन वाटर फ्लोइंग ऑफ द लैंड कैन बी यूज टू पावर टर्बाइन लिंक टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर. देखिए रेन वाटर जब फ्लो करता है तो उसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर यूज करते बनाए जाते हैं. अब आपने देखा होगा कि जो रिवर्स होती हैं उस पर डैम बनाए जाते हैं. डैम बनाने से वन साइड का जो वाटर है जिसकी स्पीड कम होती है वो वहाँ पर स्टोर हो जाता है और अदर साइड में डैम की हेल्प से जब वाटर वन साइड से दूसरे साइड जाता है तो उतनी ही तेज स्पीड से वो फ्लो करता है, तो उसके फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. बट डैम्स कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम फॉर वाइल्ड लाइफ. कि जो डैम है वो वाइल्ड लाइफ के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. एंड द रिजर्वियर्स ऑफ एन सिल्ट अप बट द हाइड्रो पावर इज अ प्रूवन डिपेंडेबल टेक्नोलॉजी दैट करंटली सप्लाइज 15% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी. जो हाइड्रो पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है ये एक डिपेंडेबल टेक्नोलॉजी है जो करंटली इस समय पूरे वर्ल्ड में 15% इलेक्ट्रिसिटी हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जो बनाई जाती है सप्लाई की जाती है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर्स. सो थैंक यू. हैव अ नाइस डे.